हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। वो तो नू कह रही, मास्क लगा लो। आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। जैसे कि तुम देख रहे होगे, दीदी ब्यूटी पार्लर में है और यहाँ पे दीदी का फोटो सेशन और वीडियोग्राफी हो रही है। कुछ मतलब कि रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये पार्लर का है और यहाँ पर भाभी और पिंकी दीदी भी यहीं पर रेडी हुए थे। तो ये देखो, यहाँ पर जो है ना, ये भाभी हैं, कितनी मस्त लग रही हैं। यहाँ पे पीकॉक ब्लू कलर का इन्होंने गाउन या लहंगा पहना है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है क्या है ये। जो भी है, एकदम मस्त लग रहे हैं, मेकअप भी एकदम अच्छे से करा है। और ये देखो, ये पिंकी दीदी हैं, पिंकी दीदी के भाई ब्लू कलर की ये आउटफिट है। तो दीदी भी एकदम मस्त लग रही है, मेकअप भी वो कितना मस्त किया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, अभी दीदी वगैरह सब जो है ना गेट पर खड़े हैं, मतलब कि मैरिज हॉल के गेट पर खड़े हैं। अब जो है ना दीदी की एंट्री होनी, यहाँ पर मैं आया था तो दीदी से मजाक कर रहा था, इस बात पर हंस रहे थे। और अब दीदी वेट कर रही थी, इनका गाना बजे तो इनकी एंट्री हो। तो मुझसे कहा था दीदी ने कि ऋतिक वाला गाना बजवा तो मैं एंट्री करूंगी। तो यहाँ पर दीदी और अंजलि हाय कर रहे थे। तो दीदी की आउटफिट देखो, कितनी मस्त लग रही है, एकदम दुल्हन के कपड़ों में है। तो दुल्हन जैसी ही लग रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब मस्त लग रही है आउटफिट। तो यहाँ पर दीदी का गाना बजना था, लेकिन उससे पहले फोटो वाले और वीडियो वाले भैया आ गए। तो वो कहने लगे, लाओ तुम्हारे फोटो को सेशन करें और तुम्हारी वीडियोग्राफी करें। तो यहाँ पे भाभी का और दीदी का फोटो सेशन होना था, मतलब सभी का फोटो सेशन होना था। ये उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो, देख चले इधर, देखिए देखिए कैमरा, इधर इधर कैमरा पर देखिए, ठीक है, देख आगे आगे बंदा, देखिए इधर कैमरा पर, देख देखो। तो गाइस देखो, जब दुल्हन का फेवरेट गाना नहीं बजता है तो किस तरीके से वेट करती है, मतलब पूरे उदास होकर के खड़ी थी यहाँ पर। मतलब कह रहे हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, लेकिन डीजे वाले बाबू उनकी सुनी नहीं रहे थे। तो देखो किस तरीके से उदास होकर यहाँ पे खड़ी, एकदम मूत्र हुआ है, ऐसा लग रहा है इनको देख के जैसे गुस्से में खड़ी है। और यहाँ पे क्राउड देखो, कितना क्राउड आ गया था, मतलब लेडीज का और बच्चों का। तो ये देखो कैसे बच्चे भी आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि दीदी की एंट्री हो रही थी। तो देखो